प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव से पहले एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। चुनाव प्रचार करने के लिए सांवेर पहुंचे कमलनाथ ने जनता से अपना गुनाह पूछा है। कमलनाथ ने जनता से सवाल किया है कि क्या माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़कर हमारी सरकार ने कोई गलती की, क्या मिलावट के खिलाफ युद्ध करके मैंने कोई गलती की, या फिर शुद्ध दूध पिलाकर हमने कोई गलती कर दी है। प्रदेश में अपनी सरकार खोके बैठे कमलनाथ ने जनता से पूछा है कि हमारी सरकार ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि विपक्ष ने सौदेबाजी करके हमारी सरकार गिराई। अपने भाषण में कमलनाथ ने बेरोजगारी और मजदूरों के हित के मुद्दे उठाकर जनता से कहा है कि आप भले ही हमारा साथ ना दें, लेकिन सच्चाई का साथ जरूर देना, क्योंकि ये उपचुनाव ही प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। आगे कमलनाथ कहते हैं कि ये चुनाव आएंगे चले जाएंगे, ये बैनर पोस्टर झंडे लगे हैं वो सब भी निकल जाएंगे, लेकिन आपको आपका प्रदेश कैसा चाहिए ये आपको तय करना है।